तो बच्चों, अब हम दो आयु के योग और अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम दो आयुओं को जोड़ सकते हैं? क्या दो आयुओं को, दो मैट्रिक्स को हम घटा सकते हैं क्या? तो इसको समझने के लिए मैं यही कहूंगा कि दो आयु को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी कोटि, ऑर्डर समान हो, अवयव चाहे जो भी हो। तो दो आयुओं ए और बी है, मान लो कैपिटल ए और कैपिटल बी के संगत अवयवों को जोड़कर या घटाकर हम एक नया आयु कैपिटल ए प्लस बी या कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने ये समझा बच्चों कि दो आयुओं को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके ऑर्डर, कोटि समान हो। और साथ साथ आपने ये भी सीखा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव ही आपस में जुड़ते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण के जरिए। तो एक उदाहरण में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है दो, जो 2×2 ऑर्डर का है, दो कोटि का है, और बी एक मैट्रिक्स है वो भी 2×2 ऑर्डर का है। तो समान कोटि के होने के कारण ए और बी को हम जोड़ सकते हैं। तो मैं ए को पढ़ रहा हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रो वन में उसकी पहली पंक्ति में 2×3 है और दूसरे रो टू में 5×6 है। और इसी तरह से बी एक मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें जो वो भी 2×2 कोटि का है, दो कोटि का वर्ग आयु है और वो ए के कोटि के समान है। उसके पंक्ति, पहले पंक्ति में 1×0 है और दूसरी पंक्ति में, रो में 2×3 है। तो बच्चों, अब दो आयु को ए प्लस बी, कैपिटल ए प्लस बी या कैपिटल ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण से हम उसको समझे कि हम कैसे दो आयु को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक ए मैट्रिक्स है, कैपिटल ए इज इक्वल टू लिखा है पंक्ति एक में 2×3×5×6, और कैपिटल बी एक मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पंक्ति एक में, रो वन में 1×0 और रो टू में 2×3 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हैं। ए मैट्रिक्स भी 2×2 ऑर्डर का है और बी मैट्रिक्स भी 2×2 ऑर्डर का है। तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि दो मैट्रिक्स तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। तो पहली शर्त का पालन तो दिख रहा है एक एग्जाम्पल में। अब मैंने दूसरी बात ये कहा कि संगत अवयव से ही ए के संगत अवयव बी के संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही वो जुड़ेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दो एक से जुड़ेगा, क्योंकि ए वन वन ए को मैं कोड फॉर्म में लिखूं, उसके एलिमेंट को कोड फॉर्म में निरूपित करूं तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू आपको नजर आ रहा है। तो ए वन वन एलिमेंट क्या है बच्चों? दो। और बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू आपको कोड फॉर्म में बी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो बी वन वन क्या है बच्चों? वन। तो ए वन वन के साथ बी वन वन ही जुड़ेगा, यानी 2+1 आपस में जुड़ेंगे। 3+, इसी प्रकार से 3+ के साथ 0 जुड़ेगा और 5 के साथ 2 जुड़ेगा, क्योंकि उस वो एलिमेंट क्या है, ए टू वन है, और ए टू वन के साथ स्मॉल बी टू वन यानी 2, 5 के साथ 2 जुड़ेगा, 6 के साथ 3 जुड़ेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुल मिला के ए प्लस बी बराबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं 2+1। पहली पंक्ति में मैं पढ़ रहा हूं उसको, 2+1
और 3 प्लस 0, 5 प्लस 2 और 6 प्लस 3, तो इनका जोड़ आपको मिल रहा है 3, 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 प्लस 0 3 हुआ, 5 प्लस 2 7 हुआ और 6 प्लस 3 9 हुआ। तो इस तरह से A प्लस B हमें एक नया मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, उसके फर्स्ट रो में 3 3 है और सेकंड रो में 7 9 है। तो बच्चों अब चलो इस मैट्रिक्स को हम घटाएं, तो निश्चित रूप से ये दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर के हैं, दूसरा बी भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो दोनों को हम घटा भी सकते हैं। तो संगत अवयवों को हम घटाएंगे तो 2 माइनस 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसकी पोजीशन वही रहेगी, और 3 माइनस 0 आपको नजर आ रहा है, और 5 माइनस 2 नजर आ रहा है, और 6 माइनस 3 आपको नजर आ रहा है। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। तो इस तरह से A माइनस B आपको एक नया मैट्रिक्स दे रहा है, पहले पंक्ति में फर्स्ट रो में 1 3 और सेकंड रो में 3 3 एलिमेंट्स आपको इसके नजर आ रहे हैं। A माइनस B के एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं 1 3 और 3 3। तो बच्चों आपने इस प्रकार से दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना सीखा, तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करके देखें, ताकि इस चर्चा को और समझने में आपको आपकी मालूमात अच्छे से हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों मैट्रिक्स के बारे में, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में और मैट्रिक्स के जोड़ने घटाने बच्चों मैट्रिक्स के बारे में जानना और उसके बाद मैट्रिक्स के जोड़ने घटाने और उसका गुणा लंबी आयु के बारे में जानना बहुत आवश्यक है बच्चों, और इन सब चीज़ों को जानने के बाद मैट्रिक्स के सहखंडज को भी आपने जाना, प्रतिलोम आयु को भी आपने जाना, और वर्ग आयु क्या होता है, वर्ग आयु किन किन मैट्रिक्स में हम उपयोग में लाते हैं, ये जानने के बाद अब हम विभिन्न प्रश्नों को करने से आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो बच्चों लीजिए प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 1। यदि x स्मॉल x है और 2 इंटू 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, कॉलम में 1 1 और प्लस y इंटू 2 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कॉलम में माइनस 1 1 बराबर मैट्रिक्स में 10 और 12 कॉलम में लिखा हुआ है, हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y मैट्रिक्स के सामने गुणा के रूप में है और दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बच्चों आपको हमने मैट्रिक्स के आयु के डिफरेंट कंसेप्ट में ये बताया कि दो आयु तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनके ऑर्डर कोटि या उसको क्रम कहते हैं वो समान हो, और आपने ये भी देखा कि मैट्रिक्स में आयु में यदि किसी संख्या का गुणा किया जाता है, किसी नियतांक का गुणा किया जाता है, तो उसके आयु के समस्त अवयवों के साथ उसका गुणा होता है। तो आयु को जोड़ने और गुणा करने किसी स्केलर का, किसी संख्या से आयु का गुणा होने पर आधारित कंसेप्ट पर हम प्रश्न नंबर 1 करने जा रहे हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है आप यहाँ ध्यान से देखें। आपने देखा क्वेश्चन में कि x इंटू एक मैट्रिक्स है 1 1 जो 2 इंटू ऑर्डर 2 इंटू 1 ऑर्डर का है, और एक y नियतांक के रूप में है, हालांकि ये एक्स वाई चर राशियां हैं लेकिन यहाँ नियतांक के रूप में मैं कह रहा हूँ, और वह है माइनस 1 1। ये जो है इक्वल है एक मैट्रिक्स के जिसका मान 10 और 12 कॉलम में अंक लिखे गए हैं।
अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक्स का इस मैट्रिक्स के समस्त अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स और एक्स ये मैट्रिक्स होगा, ये प्लस साइन है, और इस वाई का इस मैट्रिक्स के समस्त अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वाई, वाई कम वाई और वाई एकम वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है हम एज इट इज नोट करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी इसमें 2 रो है और एक कॉलम है, 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड में है इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स और माइनस वाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो एक्स माइनस में इसलिए माइनस वाई, और एक्स का प्लस साइन वाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ वो जुड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई ये एक ही अवयव है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और जो इक्वल के बराबर आपको दिखाई दे रहा है वो जानबूझ से उसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, वो है 10 12, ये भी 2 × 1 ऑर्डर का है, यानी कुल मिला के हमें एक क्या रिजल्ट मिला बच्चों आप ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई एक राशि है और दूसरी एक्स प्लस वाई दूसरा एलिमेंट है, ये लेफ्ट साइड का एलिमेंट है, मैट्रिक्स है, और ये जो है 10 और 12 उसके अवयव है जो कॉलम में है, ये 2 × 1 ऑर्डर का है। अब आपको ये भी कंसेप्ट थ्योरी में बताया जा चुका है कि ये 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तभी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, समान क्रम के हैं, समान ऑर्डर के हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला जो एलिमेंट है A11 10 के बराबर ही होगा, यानी x माइनस y बराबर हमें 10 मिलेगा, और दूसरा जो A12 एलिमेंट है जिसकी A21 एलिमेंट है वो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर राइट साइड में 12 के बराबर होगा। इस तरह से हमको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर हमको दो चरों वाला इक्वेशन प्राप्त हुआ, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हमें प्राप्त हुआ 1 और 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो बड़े आसानी से हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर 10 है और x प्लस वाई बराबर हमें 12 मिला है, जो समीकरण नंबर 1 से हमने दिखाया। ये देखिए जो हमें दो मैट्रिक्स के संगत अवयवों की तुलना करने से और दिए गए मैट्रिक्स के को जोड़कर हमने प्राप्त किया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम जोड़ते हैं तो ये माइनस वाई प्लस वाई के साथ घटकर 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ये सिंप्लीफाइड होने पर 2x मिलेगा इक्वल टू 10 और 12 22, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर सिंप्लीफाइड करने पर 22/2, अब 22 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, तो x का मान हमें 11 मिल रहा है। अब सबसे आसान है बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो प्लस वाले इक्वेशन को ही हमेशा चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, तो हम समीकरण नंबर 2 से इस बात को सॉल्व करेंगे, y का मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 12, और ये समीकरण नंबर 3 है जिसमें x का मान हमने 11 निकाल लिया है, इस x का मान 11 समीकरण नंबर 3 से हम इसमें रखेंगे, तो x की जगह 11 प्लस y बराबर 12, और इसको सिंप्लीफाइड करने पर y बराबर 12 ऋण 11। आपको मालूम है कि x बराबर 11 है जो हमने x के स्थान पर यहां रखा है, आप देखिए। अब y बराबर 12 ऋण 11 है तो इट मींस y इज इक्वल टू 12 में से 11 गया 1। इस तरह से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है,
ये समीकरण नंबर चार कह दीजिए आप, तो समीकरण नंबर तीन और चार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ऐसी कंडीशन पर जो प्रश्न में दी है उस कंडीशन में x का मान आपको 11 मिल रहा है और y का मान 1 मिल रहा है। बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखना एग्जामिनेशन हॉल में कि थोड़ा स्लाइटली इसको चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा। x प्लस y बराबर 12 है तो देखिए ये 11 और एक 12 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और आपके पास पर्याप्त समय है तो 11 में से एक को घटाएंगे तो 10, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करता है। इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट है, आंसर है, वो 100% सही है। तो ये आंसर है बच्चों x बराबर 11 y बराबर 1। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 इस सिद्धांत पर आधारित है कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, और दो मैट्रिक्स को जो समान ऑर्डर के हैं, समान कोटि के हैं, उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो दो आयुओं को, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। इस सिद्धांत पर प्रश्न नंबर 2 प्रस्तुत है बच्चों। यदि कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, रो में मैं पढ़ रहा हूँ 2×4 और सेकंड रो में 8×15। कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बराबर 6×6 और 2×5 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है हो तो आयु मैट्रिक्स एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये अब आपको मैं बता दूं कि जो प्रश्न नंबर 2 हम करने जा रहे हैं वो भी आयु के जोड़ने और घटाने के कंसेप्ट पर, फंडामेंटल कंसेप्ट पर आधारित है। और आपको मालूम है कि दो आयु तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्रम समान हो, कोटि समान हो। तो बच्चों बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू, हमें दिया है क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप 2×4 और 8×15, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। ये मैट्रिक्स में है, ये इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कह दे रहे हैं। इसी तरह से एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें दी है 6×6 और 2×5। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को देखकर आप समझ रहे होंगे कि सर आप कैपिटल एक्स क्यों लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मैट्रिक्स में ही इसका रिजल्ट आएगा, अंकों में नहीं आएगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 में स्मॉल एक्स की वैल्यू 11 आई थी और स्मॉल वाई की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ एक्स मैट्रिक्स में होगा, यानी मैट्रिक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स हमें ज्ञात करना है और कैपिटल वाई हमें ज्ञात करना है। तो स्वाभाविक रूप से इन इक्वेशंस को हमको जोड़ना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं कि जब मैं जोड़ूंगा तो ये कैपिटल वाई और माइनस वाई दो मैट्रिक्स आपस में घट जाएंगे, और ये एक्स और एक्स दो मैट्रिक्स आपस में जुड़कर 2×x हो जाएंगे, और ये प्लस हम ओ कहें, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में है। ये एलिमेंट है बच्चों और ये ओ है, तो छोटा थोड़ा लिखेंगे और थोड़ा इसको बड़ा लिखेंगे तो ये शून्य आयु है, जीरो मैट्रिक्स होंगे। और चूंकि इसको मैंने जोड़ने कहा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 और 6 आपस में जुड़ेंगे, तो 2+6 हम जोड़ेंगे, 4 के साथ 6 जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे, संगत अवयव को मैं जोड़ रहा हूं, 15 और 5 को ही जोड़ेंगे। तो जोड़ने से जो मैट्रिक्स मिला वो 2×1 ऑर्डर का ही है जिसका कोटि 2×1 है,
और इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख रहे हैं कि 2x शून्य सदिश जोड़ने पर 2x ही होगा और ये इक्वल होगा एक मैट्रिक्स है 8 10 10 और ये 5 है, यहां पर हम इसको 5 लिख दें, दो नहीं है ये 5 है, तो 15 और 5 20 हुआ। अब हम इस दो से इसका भाग दे दें दोनों तरफ, तो ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/2 8 10 10 20 आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स के समस्त अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयु में डिटरमिनेंट में सारणिक में ऐसा नहीं होता है, या तो वो कॉलम के समस्त अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होता है या तो पंक्ति के साथ समस्त अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसी भी एक रो या पंक्ति से वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स में उसके समस्त अवयवों के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ होगा 8/2 निश्चित रूप से, 10/2 ये 1/2 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10/2 और 20/2। तो जो हमको एक्स मिल रहा है, एक मैट्रिक्स मिल रहा है, नया मैट्रिक्स, 8/2 का भाग देंगे तो 2 6 8, 2 5 10, 2 5 10 और 2 1 2 0। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स मिला हमको वो 4 5 5 10 मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। मैं पहले ही कह रहा था कि ये एक्स जो है मैट्रिक्स के समान हमें रिजल्ट मिलेगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ने से हमें नया मैट्रिक्स मिलता है, समान क्रम के मैट्रिक्स होने चाहिए। तो ये एक पहला आंसर हम कह सकते हैं इस प्रश्न का। अब ये जो एक्स है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है तो वैसे तो आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो प्लस वाला साइन इक्वेशन लेना ज्यादा उचित होगा जिससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 को मैं ले रहा हूं और समीकरण नंबर 1 कह रहा है एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 4 8 15 है, और कैपिटल एक्स समीकरण नंबर 3 में हम निकाल चुके हैं तो इसकी वैल्यू है 4 5 5 10। ये भी 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वाई इज इक्वल टू इक्वल के नीचे मैं इक्वल लिख रहा हूं और ये एज इट इज इसको मैं नोट करूंगा। अब इसको वाई चूंकि हमें कैलकुलेट करना है तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए कैपिटल वाई इज इक्वल टू मैं कहूंगा 2 4 8 15 मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस होगा, होगा 4 5 5 10। अब संगत अवयव 2 और 4 है तो 2 4 से ही माइनस होगा, 2 - 4, 4 संगत अवयव 5 से ही माइनस होगा, 4 - 5, इसकी पोजीशन 8 की 5 के समान है, संगत अवयव 8 और 5 हुए तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे और 15 में से 10 को माइनस करेंगे। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 2 × 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिल रहा है, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ तो क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसको रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ये कॉलम बोलते हैं इसको, तो पहले रो को गिनिएगा। तो हमें कैपिटल वाई की जो वैल्यू है वो मिल रही है -2 -1 और 3 और 5, ये हमारा आंसर नंबर 2 होगा जो आप उसमें देख रहे हैं कि रिजल्ट हम देख रहे हैं कि -2 -1 3 और 5। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ये रिजल्ट आपको पता नहीं है कि ये आंसर मेरा सही है कि गलत, इसको रीचेक जरूर थोड़ा सा कर लीजिएगा कि यदि मैं
एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं, एक्स की वैल्यू 4, 4, 5, 5, 10 है और वाई की वैल्यू -2, -1, 3, 5 है, तो एक को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, 4 में से 2 गया 2, ये दोनों, ये जो आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर इसको मैं मान लो 4 बोलता हूं, इस पर आप गौर करें तो ये देखिए, ये जो एक्स की इक्वेशन नंबर 3 में एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 मिल रहा है पहला एलिमेंट, और आप 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 4 मिल रहा है देखिए, और इसी तरह से 5 में और 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो मुझे दिख रहा है 5 और 3, 8, ये देखिए 8, और 10 में से 5 को हम जोड़ेंगे तो 15, तो ये एक प्रकार से जरूरी नहीं कि आप समय के कम पड़ रहा है तो भी आप रीचेक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट के साथ कैलकुलेशन कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा रीचेक कर लें, फास्ट कैलकुलेशन करें और बिना त्रुटि रहित करें तो ज़्यादा उचित होगा, तो ये रिजल्ट 100% जो आंसर 1 है और आंसर 2 है वह बिल्कुल सही है बच्चों। तो बच्चों आपने दो आयु को जोड़ने और घटाने को ठीक से समझा, इस पर आधारित एक प्रश्न भी आपने प्रश्न नंबर 1 अच्छे से, प्रश्न नंबर 2 में आपने समझा, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 में जोड़ने और घटाने से संबंधित आपने बातें सीखी। तो आप जानते हैं कि हम आयु की रचना भी हम कर सकते हैं, हम एक आयु मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो आपको आपको स्क्रीन पर कैपिटल इज इक्वल टू एक बड़े ब्रैकेट में स्मॉल ए आई जे 3 × 2 कोटि का 3 × 2 कोटि क्रम का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है, आयु नजर आ रहा है, इसके आईवे पंक्ति आइथ रो और जेवे स्तंभ कॉलम का को वो प्रदर्शित करता है। ध्यान रहे आई जो है फर्स्ट आई जो है ए के स्मॉल ए के बेस में लिखा है वो रो की संख्या को बताता है और जे जो है वो कॉलम की संख्या को बताता है। तो वो मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स की एक आयु की रचना करना चाहते हैं और जो अवयवों को मैंने कहा स्मॉल ए आई जे बराबर 1/2 इन ब्रैकेट आई माइनस जे से परिभाषित है, तो अवयव 1, 2 का मान ज्ञात करके देखते हैं। तो स्पष्ट है कि आपको आई बराबर पहले 1 नजर आ रहा है, ए 1, 2 का मान मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो ए 1, 2 इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस जे उसमें है तो आई का मान 1 हुआ और जे का मान 2 हुआ। तो बच्चों इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ए 1, 2 बराबर जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है आपको पता है, वो है 1/2 आई माइनस जे, तो हमने 1/2 को एज इट इज नोट किया और आई बराबर मैंने 1 रखा है क्योंकि पहले ए 1, 2 में 1 मुझे नजर आ रहा है और फिर जे का मान हमें 2 नजर आ रहा है, तो आई के जगह हम 1 और जे के जगह 2 हम रखते हुए ए 1, 2 अवयव का मान ज्ञात करेंगे, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो ए 1, 2 की वैल्यू -1/2 आएगी। तो बच्चों इस तरह से हम आयु ए आई जे की रचना करना चाहते हैं जिसकी परिभाषा आपको दी है ए आई जे बराबर 1/2 इन ब्रैकेट आई माइनस जे। तो निश्चित रूप से ये जो मैट्रिक्स होगा वो 3 × 2 कोटि का है जिसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे और उनके अवयव किस प्रकार से होंगे, तो मैं पहले पंक्ति R1 में पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू A11 A12
और सेकेंड रो में आप देख रहे हैं A21, A22, थर्ड रो में आप देख रहे हैं पंक्ति में A31, A32। तो बच्चों ये 3×2 कोटि का ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके अवयव में आपको अभी पढ़कर सुनाया हूं। तो A12 की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैंने आपको समझाया, तो उसी प्रकार से उसी परिभाषा का पालन करते हुए हम A11 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। परिभाषा क्या है, 1/2 i-j है, तो निश्चित रूप से 1/2 1-1 होगा, i का मान भी 1 होगा और j का मान भी 1 होगा, तो 0 A21, तो i का मान 2 हुआ, 2 में से 1 घटा तो 1/2 सामने है, तो i-j की परिभाषा से 1/2 सामने है की परिभाषा से 1/2 इन ब्रैकेट 2-1 और 2 में से 1 घटा तो 1 आएगा, तो 1/2 होगा, यानी A21 की वैल्यू 1/2 मिलेगी। इसी तरह से A31 की वैल्यू 1/2, i का मान 3 और j का मान 1, 3-1 तो 3 में से 1 घटाया तो 2/2 तो 1 आया, A31 का मान 1 आया। A12 का मान 1/2 सामने है i-j की परिभाषा से 1-2 तो वो -1/2 आएगा, यानी A12 का मान -1/2, A22 का मान 1/2 2-2 0 तो A22 का मान 0, A32 का मान 3-2 1/2 सामने है, क्योंकि परिभाषा ऐसी दी गई है जिसमें हमें मैट्रिक्स के रचना करना है, हम अवयवों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A32 की वैल्यू 1/2 मिली। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो दी गई परिभाषा है AIJ बराबर 1/2 i-j। तो मैट्रिक्स की रचना इस प्रकार से हो गई कि A बराबर A11, A12, A21, A22, A31, A32 और उन संगत अवयवों को जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया उनको यथावत हम वैल्यू रख देंगे, तो A11 की वैल्यू कितनी है 0, A12 की वैल्यू कितनी है -1/2, A21 की वैल्यू कितनी है 1/2, A22 की वैल्यू कितनी है 0, A31 की वैल्यू 1 और A32 की वैल्यू 1/2। तो हमें मैट्रिक्स परिभाषा के अनुसार जो परिभाषा दी है AIJ की एलिमेंट्स की, वो 1/2 इन ब्रैकेट i-j हमें दिया है और उससे हमने संगत अवयवों को प्राप्त किया और यथावत हमने 3×2 कोटि का मैट्रिक्स प्राप्त किया, वो इस प्रकार से है A बराबर फर्स्ट रो में 0-1/2, सेकेंड रो में 1/2 0 और थर्ड रो में 1/2।